नीरज चोपड़ा ने अब चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद ये साबित कर दिया है कि भारत का वाकई में स्वर्णिम समय शुरू हो गया है, क्योंकि जिस वक्त पूरा देश सो रहा था उस समय भारत का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल जीत रहा था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इवेंट में 40 सालों में पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। गले में गोल्ड मेडल, हाथों में तिरंगा और आंखों में आत्मविश्वास लेकर चलने वाले नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में हो रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरे थ्रो में ही 88.17 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ ही नीरज चोपड़ा एक साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। यही नहीं, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 88.77 मीटर भाला फेंक कर अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। गाइस, पूरे इंडिया की तरफ से हम नीरज चोपड़ा को उनकी अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखना मत भूलिएगा। हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के नीरज चोपड़ा ने सबका दिल तो जीत ही लिया है, लेकिन इसके साथ ही मेडल जीतने के बाद नीरज ने पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर लोग उनकी और भी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। वैसा क्या किया है नीरज चोपड़ा ने, चलिए जानते हैं। दरअसल मेडल जीतने के बाद जब सभी खिलाड़ियों का फोटो सेशन चल रहा था, तब सभी खिलाड़ी अपने अपने झंडे लेकर फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन सिल्वर मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम के पास पाकिस्तान का झंडा था ही नहीं, इसलिए वो साइड में खड़े हुए थे। ये देखकर नीरज ने नदीम को अपने पास बुलाया और उन दोनों ने भारत के तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाई। यही नहीं, फोटो सेशन खत्म होने के बाद जब एक महिला ने नीरज से तिरंगे पर ऑटोग्राफ देने के लिए कहा, तो नीरज ने कहा, मैं तिरंगे पर ऑटोग्राफ नहीं दे सकता, इतना बड़ा नहीं हूं मैं। गाइस, नीरज के इन्हीं जेस्चर्स की वजह से उन्होंने भारतीयों का दिल जीत लिया है। आपको इस उनके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत का एक ऐसा युवा खिलाड़ी जिसने मात्र 3 साल की उम्र में अपनी बहन से प्रभावित होकर चेस खेलना शुरू कर दिया था और आज सिर्फ 18 साल की उम्र में वो दुनिया के सामने देश का नेतृत्व उस खेल में कर रहा है। कौन है ये खिलाड़ी, चलिए जानते हैं। इस होनार खिलाड़ी का नाम है आर प्रज्ञानंद, जिनका जन्म 10 अगस्त 2005 को चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बचपन में जब प्रज्ञानंद अपनी बहन को चेस खेलता देखते थे तो उन्हें भी चेस खेलने की उत्सुकता होती थी, और इसी चीज को देखते हुए प्रज्ञानंद के पिता रमेश बाबू ने 3 साल की उम्र में ही प्रज्ञानंद को पास के ही चेस अकेडमी में दाखिला दिलवा दिया और मात्र 8 साल की उम्र में प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप जीतकर FIDE मास्टर का खिताब जीत लिया। 2016 में मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब और 16 साल की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को रैपिड चेस में हराया था। और अब साल 2023 में मात्र 18 साल की उम्र में प्रज्ञानंद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में दुनिया के 2 दिग्गज चेस प्लेयर्स को हराकर उपविजेता बन गए। लोग जब ये पूछ रहे थे कि विश्वनाथन आनंद के बाद भारतीय चेस का भविष्य कौन होगा, तो इसका जवाब अब मिल गया है। नाम है आर प्रज्ञानंद। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जब भी बात आती है तो लोग कपिल देव का ही नाम लेते हैं, पर भारतीय टीम में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो अगर परफॉर्म ना करता तो शायद वो वर्ल्ड कप इंडिया कभी नहीं जीत पाता। ये वो खिलाड़ी था जिसने 1983 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीता था, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत ही कम लोग उस खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। ये वो खिलाड़ी था जिसने साल 1983 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 40 रन बनाए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच जीता और भारत को फाइनल तक पहुंचाया। यही नहीं, जब फाइनल मैच में कपिल देव ने विव रिचर्ड्स का कैच लेकर मैच का पासा पलटा था, तब उसी मैच में इस खिलाड़ी ने 23 रन बनाए और 3 मुश्किल विकेट निकाले थे और मैन ऑफ द मैच अपने नाम कर लिया था। साथ ही पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी इस खिलाड़ी को दिया गया था। उस खिलाड़ी का नाम है मोहिंदर अमरनाथ, जिसे प्यार से लोग जिमी के नाम से पुकारते हैं। गाइस, कोई भी मैच अकेला एक खिलाड़ी नहीं जिता सकता, उसके लिए पूरी टीम के एफर्ट्स लगते हैं। इसलिए जिस तरह से हम कपिल देव का सम्मान करते हैं, उसी तरह से हमें मोहिंदर अमरनाथ और बाकी खिलाड़ियों का भी सम्मान करना चाहिए।